राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन कार्य में लगाए गए सरकारी गैर सरकारी कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा विधानसभा निर्वाचन से संबंधित कार्य पर लगाए गए सभी व्यक्ति, जैसे कि कोई पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, दंडाधिकारी, चौकीदार, ग्राम रक्षा दल के सदस्य, चालक पुलिस पदाधिकारी, आरक्षी कर्मी, गृह रक्षक, केंद्रीय सुरक्षा बलों के सदस्य को निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मी माना गया है। वित्त विभाग के संकल्प कंडिका 3 के अनुसार उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाइयों यथा रोड माइंस, बम विस्फोट, सशस्त्र आक्रमण आदि में मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए देय होगा। वही चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मी की मौत अगर कोरोना से होती है तो उसे 30 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में पत्र का लिंक दिया हुआ, आप क्लिक करके पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।